बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर, ईमान आदिल का मीरा वेडिंग एडिशन बिल्कुल लेटेस्ट बेटर देन ओरिजिनल वाली कैटेगरी का ये आर्टिकल आपके सामने लेके आए। इसको अनफोल्ड करते हैं डिटेल के साथ। इसकी आपको सबसे पहले आपको उसका प्योर रॉ सिल्क का ट्राउज़र दिखाएंगे, जो ब्रांड यूज़ करते हैं सेम वही वाली क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्योर रॉ सिल्क। इसका ओपन कर लिए, अब आपको दिखाएंगे मैक्सी। सबसे पहले मैक्सी जो है 6 कलियाँ फ्रंट और 6 कलियाँ बैक। अब मैक्सी के अंदर जो आप काम की फिनिशिंग है वो उस तरह से है, थ्रेड जरी सीक्वेंस तिल्ला वर्क के साथ मिरर फॉयल वर्क का काम है, ठीक है, जो ब्रांड में यूज़ होता है सेम वही वही काम हमने यूज़ किया है। ये आप देख सकते हैं ये मैक्सी की 6 कलियाँ फ्रंट की हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कली जो है वो सही मानों में ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कली के अंदर एम्ब्रॉयडरी कहाँ कहाँ हुई हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये नीचे का हिस्सा है कली का। इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो इसके ऊपर भी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड फॉयल वर्क के साथ मिरर फॉयल वर्क का काम, थ्रेड जरी सीक्वेंस तिल्ला सारी चीज़ आपके सामने। ये पूरी एक कली है, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड के साथ है, ठीक है। ये आप देखें एम्ब्रॉयडरी की नफासत देखें, कितना नीट एंड क्लीन काम है, ठीक है। ये पूरी एक कली हो गई। इसी तरह जो है इसकी ये दूसरी कली है, और इसके बाद जो है ये इसकी तीसरी, और 3 कलियाँ जो है बैक की साइड पर है, ठीक है। तो 6 कलियाँ जो है ये फ्रंट की हैं। अब आपको दिखाते हैं 6 कलियाँ बैक की। अब आप देख सकते हैं मैंने एक मैक्सी का लुक क्रिएट करके आपको दिखाया है, जितनी भी फ्रंट की कलियाँ थी उन सबको आपस में जॉइंट करके रखा है ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या व्यू आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दामन के बॉर्डर की तरफ। हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे ये सारे दामन के बॉर्डर हैं, कटवर्क 2 यार्ड यानी 2 गज के फ्रंट के हैं और 2 गज के बैक के हैं। काम की फिनिशिंग देखें, नफासत देखें, इसमें भी सारा मिरर फॉयल वर्क का काम है, थ्रेड जरी मैट सीक्वेंस इसके अंदर यूज़ किया गया है। कटवर्क भी इसलिए करा दिया ताकि जो आपके लिए हैजल कम से कम हो, ठीक है। ये जो है 2 यार्ड्स के फ्रंट के और 2 यार्ड्स के बैक के। कह जाते हैं फ्रंट योक की तरफ, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड प्योर बरीजा नेट पे इसकी पूरी फ्रंट की योक है। पूरा आर्टिकल प्योर बरीजा नेट पे है जैसा ओरिजिनल में आया था। ये आप काम की फिनिशिंग देखें, सारे नग्स कितने खूबसूरत तरीके से लगाए गए हैं, ठीक है। ये जो है इसकी नेकलाइन है, नेकलाइन जो है वो पूरी अड्डा वर्क के साथ है, हैंड एम्बेलिश पूरा काम है ये सारा, आप देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग से ये सारे आप देख सकते हैं नग्स हाथ से लगे हुए हैं, अड्डा वर्क का काम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारा जो है हैंड एम्बेलिश इसकी प्योर बरीजा नेट पे इसकी ये अपर योक है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और उसके बाद जो है आपको इसकी बैक की योक भी दिखाते हैं। बैक की जो योक है वो ये पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है बरीजा नेट पे, इसके अंदर कॉपर जरी का काम हुआ हुआ है, थ्रेड का पूरा कॉपर जरी का काम है, ठीक है, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड बैक की। अच्छा, मैंने अपना कैमरा थोड़ा सा सेट किया है, थोड़ा सा ऊपर किया ताकि पूरा व्यू आपको नज़र आ सके। आप आ जाते हैं स्लीव की तरफ, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड हैंड एम्बेलिश स्लीव्स है, पूरा फॉयल मिरर वर्क अड्डा वर्क के साथ थ्रेड जरी सीक्वेंस और फुल साइज़ की स्लीव दी गई है, कोई जोड़ ओर का इसमें चक्कर नहीं आएगा। ये आप देखें सारा नक का काम हाथ से किया गया है, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड नक, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड काम है इसके अंदर थ्रेड जरी सीक्वेंस के साथ। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ये आप देख सकते हैं सारा हैंड एम्बेलिश काम है, मिरर फॉयल वर्क का काम है। और अगर हम थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो यहाँ भी सारा हैंड एम्बेलिश थ्रेड जरी सीक्वेंस का काम है। तो ये जो है पूरी एक स्लीव्स है जिसमें आप देख सकते हैं पूरा अड्डे का हैंड एम्बेलिश काम है। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी स्लीव की तरफ, दूसरी स्लीव भी सारी हैंड एम्बेलिश है, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड थ्रेड जरी सीक्वेंस मैट सीक्वेंस तिल्ला वर्क के साथ ये पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड इसकी स्लीव्स हैं। अब आ जाते हैं बैक की कलियों की तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा था फ्रंट की 6 कलियाँ हैं और बैक की 6 कलियाँ हैं, तो बैक की 6 कलियाँ भी आपके सामने हैं, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड। ये कली का सबसे नीचे का हिस्सा है जहाँ से आपका फॉल बनेगा, इसमें भी थ्रेड जरी सीक्वेंस मिरर फॉयल का काम है, ठीक है। और ये पूरी जो है कली यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो है 6 कलियाँ फ्रंट की, 6 कलियाँ बैक की, जैसा ओरिजिनल में आई थी कलियाँ सेम एज इट इज़। ये देख सकते हैं आप 3 कलियाँ इस तरफ हैं और 3 कलियाँ जो हैं पीछे की तरफ हैं। तो ये जो है मैं आपको सरसरी ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देख लें ताकि आपको कलियों का आइडिया हो जाए बैक की कलियों का क्या। फाइनली अब आ जाते हैं दुपट्टे की तरफ। प्योर बरीजा नेट का दुपट्टा है और पूरा रेडी टू वेयर, काफ़ी
मेहनत होती है ऐसे दुपट्टे बनाने में। ये आप देख सकते हैं एक लेस नीचे से लगाई गई है, इसके बाद ये सिल्क का बॉर्डर है, फिर इसके बाद एक ये लेस लगाई गई है, फिर ये जो है माथा पट्टी की पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड लेस है। अच्छा, ओरिजिनल में ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलती, इसीलिए हम क्लेम भी करते हैं कि हमारा आर्टिकल जो है बेटर देन ओरिजिनल है। काफ़ी कस्टमर कहते हैं कि आप ये बेटर देन ओरिजिनल क्यों कहते हैं, तो उसकी रीज़न यही है कि हम पूरे दुपट्टे सारी चीज़ें आपको रेडी करके देते हैं, जो ब्रांड नहीं करके देता। ब्रांड जो है वो आपको सारी चीज़ें अलग अलग देता है, लेकिन हम जो है वो आपको पूरा रेडी टू वेयर करके देते हैं। दुपट्टा थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, आपको लुक का आइडिया हो जाएगा कि क्या लुक है इस दुपट्टे का। ये आप देख सकते हैं पूरा रेडी टू वेयर दुपट्टा, जो चीज़ जैसी दिखाई जा रही है सेम एज इट इज़ ही आपको डिलीवर भी होगी। ठीक है, थैंक यू।